हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाइए। आज से जो है हम लोग वेजिटेबल साइंस, जैसे कि आप लोगों को कल मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों को वेजिटेबल क्या होती है, उसकी कल्टीवेशन को स्टडी को क्या कहते हैं, उसके वर्गीकरण अलग अलग हिसाब से, ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग उससे आगे बढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन बच्चे जो है जुड़ चुके हैं। स्नेहा भारती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। हर हर महादेव, नमस्ते बेटा, खुश रहिए। चलिए आईसीआर, हाँ जैसे आईसीआर के नोटिफिकेशन कुछ आता है बच्चों, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो है कब फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, इस सब चीज़ों में जो अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। अभी क्या आपके लिए होना चाहिए इंपॉर्टेंट, कि जो आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही है उसको पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक। डीडीयू बीएससी एजी के लिए अच्छा है, हाँ देखो बीएससी एजी डीडीयू में जो है अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है बच्चों, तो आप कर सकते हो वहाँ से, ठीक। उसके फॉर्म्स जो आ चुके हैं, ठीक है बच्चों, तो उसका आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, चलिए प्रणाम, चलिए जय जवान जय किसान बच्चों, चलिए सही है। चलिए सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और जिन्होंने जो भी अगर बच्चों पहली बार अगर आप बेसिक शिक्षा पे आए हो क्लासेस करने, तो आपको बता दें कि एग्रीकल्चर की ऑलरेडी दो सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस। उसके प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो वीडियोज, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलिए ठीक है। और एक बार सभी लोग जो है इसको शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स जो जिनको टाइमिंग क्लियर नहीं है बच्चों, हो सकता है आप लोगों को सभी को नोटिफिकेशन गया होगा, हाँ नागालैंड यूनिवर्सिटी में जो है ओनली एग्रीकल्चर ही आएगी। हाँ अभी तक जो है बच्चों जो अपडेट हमारे पास है या जो आप CUET के पोर्टल पे देखोगे, उसमें बच्चों नागालैंड यूनिवर्सिटी में केवल आपको डोमेन में एग्रीकल्चर मांगा गया है। विश्व भारती ने अपने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे प्रीवियसली BHU में जैसा था वैसा कर दिया है, ठीक है। BHU ने तो ऑलरेडी अपना चेंज किया ही है बच्चों, ठीक। तो इसी तरह से नागालैंड में जो अभी तक सिर्फ एग्रीकल्चर ही मांगा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना बच्चों, और आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज की जो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम लोग दो महत्वपूर्ण फसलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका ब्रिंजल और दूसरा आपका टोमेटो, यानी कि टमाटर और बैगन, ये दो महत्वपूर्ण फसल। अगर आप बात करोगे वेजिटेबल साइंस में, तो ये दो फसल से आपके भर भर के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टमाटर से रिलेटेड हो चाहे वो बैगन से रिलेटेड हो, ठीक है। सर BHU में PC अभी तक जो है बच्चों नहीं अपडेट हुआ है, ठीक है, और अभी जो है BHU बंद भी चल रही है दो दिन के लिए, ठीक। अब कल से फिर रीओपन होगी, दो दिन की छुट्टी थी BHU में, कल से रीओपन होती है, फिर जैसे आग पता चलेगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा बच्चों, ठीक है। सर लेक्चर नंबर 11 नहीं मिल रहा है बच्चों, देखो लेक्चर नंबर 11 को जो है ना केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वो अपडेट हो गई है, ठीक है, तो उसको अभी एग्रीकल्चर वाले में हम ऐड करवा देंगे, ठीक है, आप लोगों को तब मिल जाएगा, ठीक। सर सुवार्ड्स यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, सुवार्ड्स के बारे में आप लोगों को एक वीडियो बना के जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फॉर्म फिलिंग और रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। सर BHU PSCA नहीं करेगा, देखो अभी तक तो नहीं किया है बच्चा, ठीक है, आप लोग मेल करते रहे, हम लोग भी लगे हुए हैं। जैसे कल रीओपन होती है, एक बार हम समझते हैं कि होगा या नहीं होगा, कल आप लोगों को एक बार कन्फर्म मैं बता दूंगा, ठीक है। UP कॉलेज के फॉर्म्स अभी आएंगे बच्चे, अभी आया नहीं है, ठीक है। सर ऑफन पोलिनेटेड नहीं समझा दीजिए, चलो ठीक। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड मतलब होता है वो नॉर्मली जो है सेल्फ होते हैं, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड मतलब ज़्यादातर वहाँ पर जो है पर परागण पाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए को हम लोग कहते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, ठीक। गुड मॉर्निंग, चलिए हाँ सब बढ़िया है, सीखा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिहार के लिए भी अभी बिहार कंबाइन की नोटिफिकेशंस नहीं आई है बच्चों, ठीक है, जैसे आएगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएगी, ठीक है। सोलानम मिलंजना लाइकोपर्सिका मेस्कुलेंडम, बहुत अच्छा एग्री ईश्वर साई, चलिए ठीक है बच्चों, हाँ हाँ वहीं से किए हैं BSC एग्रीकल्चर, ठीक, चलो ओके। हाँ BSC में इंजीनियरिंग नहीं आएगा क्या? देखो BSC एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है आपका CUET के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको आपके UP कैटेट, बिहार कंबाइन और आपके ICAR के लिए पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है, तो वो आप लोगों को कराया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए सभी लोग जो इसको एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों टोमेटो से रिलेटेड, ठीक। टोमेटो यानी कि टमाटर की अगर बात करें, तो टमाटर का वनस्पतिक नाम जो होता है बच्चों वो होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये आपके BHU एग्जाम में पूछा गया था कि बोटेनिकल नेम ऑफ टोमेटो इज, ये आपका BHU का क्वेश्चन है, ठीक, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और इनफैक्ट जितने भी सब्जी आपको पढ़ाया जाएगा या प्रीवियस लेक्चर में जो भी सब्जी मैंने बताया है, सबके बोटेनिकल नेम, वनस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान, खाद्य भाग,
ठीक है, और आपका गुणसूत्र संख्या उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब पॉइंट्स जो आपको दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को कल जो है मैंने एक ही साथ सारा लेक्चर जो है करा दिया गया था, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हो बच्चा? एक साथ दो यूजी कोर्सेज, ठीक है। हाँ हाँ, दो फुल टाइम कोर्सेज जो आप एक समय पर कर सकते हो, ठीक है। यूजीसी ने इसकी मान्यता जो है दे दी है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के जो सवाल थे इसके बारे में, हाँ कर सकते हो, ठीक। टोमेटो इज ऑल्सो कॉल्ड पुअर मैंस ऑरेंज, हाँ इसको जो है पुअर मैंस ऑरेंज भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये फैमिली क्या होती है इसकी, सोलानेसी कुल का पौधा है। उत्पत्ति स्थान बच्चों इसका पेरू होता है। तो देखो, टमाटर का ही नहीं, यानी कि टोमेटो का ही नहीं, पोटैटो का भी बच्चों साउथ अमेरिका या फिर पेरू, इसकी भी उसकी भी उत्पत्ति स्थान होती है। तो इस तरह से आपको कॉमन जितने होते हैं ना, उन सबको एक बार अगर आप मान लो टोमेटो देख रहे हो, तो पोटैटो पेरू है, तो वो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस तरह से अगर आप करोगे ना, तो एक अच्छे रिविजन आपकी हो पाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए सर, पहले सीयूईटी का सिलेबस करा दीजिएगा। हाँ, पहले जो है सीयूईटी का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के बाद तुरंत हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद सीयूईटी का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, तब जो है हाँ बेलायती बैंगन कल ही बताया था आप लोगों को, ठीक है। लव ऑफ इंग्लैंड और बेलायती बैंगन, इसको कल आप लोग बता दिया था जब मैंने कॉमन नेम्स बताया था, उसमें आपको बेलायती बैंगन से रिलेटेड चीजें हो गई थी, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, फ्रूट ऑफ टोमेटो, फल की प्रकार जो होती है बच्चों, इसको हम लोग बेरी कहते हैं। और इसमें जो खाद्य भाग होता है, जो खाया जाता है बच्चों, पूरे के पूरे फल खाए जाते हैं, यानी कि पेरिकार्प खाया जाता है। तो इडिबल पार्ट जो होगा इसका फ्रूट होता है, और फ्रूट में भी क्या होगा बच्चों, इडिबल पार्ट जो होगा वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। लेकिन फ्रूट में भी बच्चों क्या हो जाएगा, तो आपका पेरिकार्प, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो फल इसमें जो है बच्चों कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट बच्चों, रेड कलर इन टोमेटो जो होता है वो किसके कारण से होता है बच्चा, लाइकोपिन, यानी कि टमाटर के लाल रंग। अब देखो बच्चों, लाल रंग से रिलेटेड आप लोगों को एक चीज मैंने बताया, एक मंत्र बताया था, क्या बताया, एक मंत्र कि हर जगह लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण से होगा, सेवाए दो चीज, एक आपका टमाटर में लाइकोपिन और दूसरा आपका मिर्ची में कैप्साइसिन, ठीक। तो ये दो मंत्र को जो है नहीं भूलना है, क्योंकि इसी तरह से आप देखो एग्रीकल्चर में चीजें वास्ट है, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट श्योर शॉर्ट पॉइंट्स के साथ बुलेटिन बना के अगर दिमाग में याद रखोगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रिक्स वगैरह जो है काफी ज्यादा है। चलो ठीक है। बैंगन नहीं, बैगन होता है बच्चा, ठीक। सर स्टेट लेवल की क्लासेस कब चलेगी, ठीक है। स्टेट लेवल के लिए जो है बैचेस आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक। आपको जल्दी जो है आप लोगों के स्टेट लेवल पे भी हम लोग जो है बातें कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, वेराइटीज में क्या क्या हो जाएगा, पूसा रूबी, अर्का विकास, अर्का सौरभ, पूसा गौरव, पूसा शीतल, और नेक्स्ट आपका रोमा और पंजाब छुहारा। तो देखो ये तो आपके जनरल वेराइटीज हो गए, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और वेराइटीज और उनकी विशेषता पे भी ध्यान देना है बच्चों। क्या देना है, ध्यान देना है इनकी विशेषता पे। जैसे अगर हम बात करें ऐसे पंजाब छुहारा और रोमा, तो ये प्रसंस्करण बोले तो प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त वेराइटी है, ठीक। पूसा शीतल जो है बच्चों, ये आपका जहां लो टेम्परेचर जोन जो होता है, जहां पे ठंड जलवायु रहती है, जहां पे जो है लो टेम्परेचर निम्न तापमान रहता है, वहां पर आपका पूसा शीतल, नाम से ही शीतलता झलक रही है ना, तो जब नाम से ही शीतलता है, तो शीतल जगह यानी कि जहां पे ठंडी तापमान होगी, वहां पर ये पूसा शीतल वेराइटी आप ग्रो कर लोगे, ठीक। उसके बाद जो है बच्चों ये सब वेराइटीज से रिलेटेड पॉइंट्स थे कुछ। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं ये फ्लेवर सेवर एक वेराइटी है जिसको जैव प्रौद्योगिकी तकनीक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकास किया गया था, ठीक है। और ये हमारा कैसा वेराइटी है बच्चा फ्लेवर सेवर, कि इसमें जो पकना होता है, फलों का जो पकने का समय है जो ये डिले होता है, मतलब लेट से होती है बच्चों, ठीक है। तो डिले राइपनिंग वेराइटी, यानी कि फ्लेवर सेवर कैसा वेराइटी है बच्चों, इसमें जो फलों का पकने का जो समय होता है वो लेट से आता है, डिले राइपनिंग वेराइटी ऑफ टोमेटो थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से जो है इसके फल के जो है ये पकता कब है, लेट से पकता है। और इसकी विकसित विकास कैसे किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा जो इसको बनाया गया था, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से टमाटर की देरी से पकने वाली किस्म कौन सी है बच्चों, फ्लेवर सेवर है। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। BSc AG BHU का सेमेस्टर एग्जाम कब हो रहा है, ठीक है। आप लोग के एग्जाम्स जो है इसी मई में हो जाएगा बच्चा, ठीक है। मिड टर्म्स, अभी मिड टर्म्स जो असाइनमेंट बेस्ड हुआ था कुछ दिन पहले, ठीक। चलिए सर, इसका रिकॉर्डेड वीडियोज करना कहना है। देखो इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में अगर बच्चा जाके चेक करोगे तो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है।
चलो ठीक है, ओके। चलो पूसा रूबी, पूसा दुबिया, पूसा रोहानी, सर्वाधिक लाइकोपिन। हाँ फ्लेवर सेवर बायोलॉजी में भी पढ़ना है। हाँ बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। जैसे देखो जो ट्रांसजेनिक प्लांट आप पढ़ते हो ना, तो जैसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू था विश्व में और भारत में कॉटन था, तो ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। जब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जो है ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलो ओके बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पादप वृद्धि के लिए जो आप रेगुलेटर यूज करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं पीसीपी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फोक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू इंक्रीज फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग मतलब होता है बच्चों फलों का लगना, यानी कि फल जब पूरी तरीके से लग जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? फ्रूट सेटिंग कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीसीपीए जो है ना, वो इज यूज फॉर इंक्रीज फ्रूट सेटिंग, फलों की जो लगने। जैसे आप देखते हो कई बार क्या होता है, पुष्प जो है बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जैसे आम की ही बात कर लें, अभी तो सबके घरों में आम और टिकोले बन गए ना, तो आम की अगर बात करोगे तो आम में क्या होता है? पुष्पन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फलन जो होती है बच्चों, सिर्फ 0.1% ही पुष्प जो होते हैं वो फल में परिणत हो पाते हैं, यानी कि फ्रूट सेटिंग जो है उसमें बहुत कम होती है ना। तो इसी तरह से जो है बच्चों यहां पर फ्रूट सेटिंग करवाने के लिए, ठीक है, फल वहां पे लगे रहने, तो फल क्या होते हैं? गिर भी जाते हैं। बहुत से केस में आप देखोगे हार्मोनल कमी के कारण से क्या होता है, फल जो है छोटे छोटे होंगे और वो ऐसे गिर जाएंगे। प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल जिसको हम लोग कहते हैं, अपरिपक्व अवस्था में फलों का गिरना, तो ये समस्या जो आपको टमाटर में भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो है बच्चों आप पीसीपी है, फोक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, हार्मोन है, इसको यूज करके जो आप फ्रूट सेटिंग को बढ़ा सकते हो। इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट है बच्चों इसका बीज दर, यानी कि कितना बीज चाहिए होता है, तो 350 से 400 ग्राम। अब देखो यहाँ पे कभी आपको 350 से 450 ग्राम भी दे देगा तो आपको रेंज में रहना है, क्योंकि होता क्या है बच्चों, सबसे दुखद बात आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है वो हर एग्जाम में जो है एनसीईआरटी को माना जाता है। जो डाटा वहाँ लिख दिया है भले ही गलत लिखा उसी को मान्य करते हैं सब। लेकिन यह एग्रीकल्चर में डाटा एनसीईआरटी ना होने की वजह से क्या होता है, कई पब्लिकेशन में आपको 350 से 450 लिखा मिलेगा। तो अगर वहां से क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन सेट किया तो आपके ऑप्शंस में वही दिखेंगे, लेकिन आपको एक रेंज को जो है बच्चों आत्मसात करके चलना है, एक रेंज को ध्यान देना है। 350 से 450 ग्राम या 400 ग्राम अगर रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, टमाटर का बीज दर। नेक्स्ट है बच्चों इसका मुख्य कीट के बारे में अगर बात करें, तो इसमें मुख्य कीट जो होता है इसका जो होता है वो है फ्रूट बोरर, यानी कि फल छेदक इसके प्रमुख कीट होते हैं। और फल छेदक का वनस्पति जूलॉजिकल नेम क्या होता है? हेलिकोबार्पा स्पेसीस। और ये जो बोरर्स जितने होते हैं वो कौन से ऑर्डर के होते हैं? चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों कि जितने भी बोरर्स हैं वो कौन से ऑर्डर के होते हैं? ठीक है फटाफट बता दीजिए कि कितने बोरर होते हैं, कितने जो है बोरर्स जितने होते हैं वो कौन से ऑर्डर से होते हैं? ठीक है हाँ हाइब्रिड के लिए सही बात है, 100 से 150 ग्राम स्वरसाई TIBA, टीबा जो होता है बच्चों ये टेट्राहाइड्रोबेंजोइक एसिड जो होता है ना, ये हम लोग निपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेपिडोप्टेरा खुशी गोयल, वेरी गुड बच्चा सही बता रहे हो, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के होते हैं। जितने भी बोरर्स होते हैं ना वो सब हमारा, हाँ कुछ बच्चों का क्या डाउट है देख लेते हैं। हाँ सभी लोग उन्नति सिंह, लेपिडोप्टेरा, शुभम पाल, विभूति भूषण, बहुत अच्छा बच्चों। इसी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, लेपिडोप्टेरा जितने भी बोरर्स होते हैं सब लेपिडोप्टेरा के मेंबर्स है, वेरी गुड गुड। नेक्स्ट क्या है, जिसको जो मन, देखो जिसका जो मन वो मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है? यहां 2 ग्राम लिख दोगे? ऐसा भी नहीं होता है बच्चा, ठीक। हाँ इसीलिए मैंने आपको बरसदीप बता दिया ना कि काके कंफ्यूजन बच्चों में नहीं हो, ठीक। सर एक डाउट क्लियर है, बीएससी एजी के सिलेबस में जितने फ्रूट्स, हाँ देखो सीयूईटी के सिलेबस में जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए हैं सिर्फ आपको वही पढ़ना है सीयूईटी के लिए, और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए आपको पूरी एग्रीकल्चर की जो ब्रॉड सिलेबस बताया गया था वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, उस हिसाब से आपको जो है अपने सिलेबस को करना है। अभी हम लोग जो है सीयूईटी एकलव्य बैच जो है मेनली फोकस्ड है सीयूईटी के लिए, ठीक। सर कितने नंबर का टोटल एग्जाम होगा? देखो टोटल एग्जाम जो है बच्चों आप डोमेन में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे पर सब्जेक्ट में डोमेन में आपको 40
क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर है, मतलब यानी कि 200 नंबर का पर डोमेन के हिसाब से होगा। और आपने चार सेलेक्ट कर लिया तो आपके लिए पेपर 800 का हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना डोमेन में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपके नंबर होंगे। ठीक है गुलशन नाना, आप मोटा मोटी बता दो कि हमें पढ़ना क्या जिससे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कवर हो सके। देखो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कवर करने के हिसाब से आपको PCBA या जो मैथ से है वो PCMA करें, ये ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, टोमेटो इज ससेप्टिबल टू फ्रोस्ट, यानी कि जो है यहाँ पर टमाटर पाले के चपेट में आ जाता है, मतलब जैसे ही मौसम में हुआ गिरावट, जैसे पाला पड़ना शुरू हुआ, कुहासे आने शुरू हुए, तो आपको टमाटर जो है आपके इफेक्ट होना तय है, यानी कि ये क्या है, इसके प्रति संवेदनशील है बच्चों, पाले के प्रति ये संवेदनशील होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सब समस्या आपको टमाटर में देखने को मिलता है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग सिंपल एक चीज जान लो, ड्राउट फॉलोड बाई इरीगेशन कॉजेज क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हमेशा से होता रहा। जैसे मान लीजिए बहुत दिन तक अगर वहां पे बारिश नहीं हुई है और जमीन सूखा हुआ है, अचानक से अगर आप सिंचाई दे देते हो ना, तो जो फटे हुए जमीन रहते हैं वहां पे आपके क्रैक्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका जो है ड्राउट है, सूखा पड़ा है, उसके बाद आपने भारी सिंचाई दे दी, तो इसके कारण से आपके फलों में जो है स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस आने के कारण से जो फलों के फटना जो है यहाँ पे समस्या हो जाएगा, ठीक है। देखो विश्व भारती के लिए ईश्वर साई, आप सभी लोग जो है वही चीजें करो जो BHU के लिए आप लोगों ने जो मूवमेंट किया था, लेकिन ये मत करना कि वहां से फिर PCA हटा के ABC करवाने का जरूरत नहीं। आप लोग इस तरह से बताइए कि जैसे ICR के मूवमेंट में, जैसे ICR में ABC PCA PCM और PCB देता है, उसी तरह से आपके सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो CUET में है एग्रीकल्चर के लिए, उनको भी वही पैटर्न जो है देना चाहिए, ठीक है। सर CUET से BSc करना है तो हाँ कर सकते हैं बच्चा, इसमें क्या दिक्कत है। शुभम पटेल सर, अगर 3 सब्जेक्ट चूज करें ABC तो टोटल कितने मार्क्स होगा? तो अगर 3 सब्जेक्ट चूज करते हो शिक्षा, तो आपका टोटल जो है 600 नंबर का होगा, ठीक है। पेपर 600 मार्क्स होंगे, क्योंकि पर सब्जेक्ट पे जो है 200 का पेपर हो रहा है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स एंड रॉन्ग पे 1 मार्क्स, ठीक कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल यूज फॉर टोमेटो सॉस प्रिजर्वेशन। देखो एक चीज और जान लीजिए, 2 तरह का प्रिजर्वेटिव ज्यादातर यूज होता है, एक पोटासियम मेटासल्फाइड KMS और दूसरा होता है सोडियम बेंजोएट। तो जितने हमारे कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड कंपाउंड रहते हैं, रंगीन जितने भी तत्व होते हैं भंडारण के लिए, पुष्प जैसे जो भी सब्जी या फिर जो भी फल या फिर सब्जी, जिसके टोमेटो केचप हो गया, चाहे टोमेटो जूस हो गया, इस तरह से कोई भी चीज़ अगर कलर्ड रंगीन पदार्थ रहेगा तो उसके भंडारण के लिए आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करोगे, और अगर रंगहीन रहेगा बच्चों तो KMS यानी कि पोटासियम मेटासल्फाइड का प्रयोग करोगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, और ये चीज़ यहाँ पे मैं नोट भी करा दे रहा हूँ आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे प्रिजर्वेशन के लिए बच्चों, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए जो है क्या यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए मुख्य रूप से जो है सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हो, और दूसरा जो है बच्चों KMS यूज किया जाता है, यानी कि पोटासियम मेटासल्फाइड। तो ये जो सोडियम बेंजोएट होते हैं ना बच्चा, वो कलर्ड कंपाउंड के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं बच्चा? कलर्ड सब्सटेंस के लिए, यानी कि रंगीन के लिए, रंगीन। लेकिन ये जो आपका KMS होता है बच्चों, ये रंगहीन के लिए होता है, यानी कि कलरलेस के लिए होता है। अब इसके तहत जो है आप लोग ये समझ जाओगे कि लीची को, ICR में सब पूछा गया है कि नहीं पूछा गया भैया, क्या दिक्कत है आकाश? हाँ टमाटर जो कैनिंग के लिए भी अच्छा होता है। चलो एक चीज और आप लोगों को बता दें, जब क्लासेस चल रही है ना, तो आप लोग इस तरह से कितने नंबर का होगा ये सब चीजें आप लोग लास्ट में पूछ लिया करो बच्चों, ठीक है। इससे क्या होता है ना, फ्लो जो है आपको पढ़ाने का जो फ्लो होता है ये बिगड़ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशनल वीडियोज आपके अलग से जाते ही है, और आपको मैं लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे दिया करूंगा, लेकिन बीच बीच में जो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो इसमें जो है फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, शुभम कुमार विश्वकर्मा MSCAG पे जरूर बना देंगे बच्चा, ठीक है, MSCAG के लिए भी बताएंगे, ठीक है।
हाँ, ये पीसीए वगैरह जो है ये उसी समय सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन है भाई? करण। चलो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऑप्शनल होगा या एक्सप्लेनेटरी? देखो ऑप्शनल होगा, एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड। अरे यार सीयूईटी पे बेस्ड कितने वीडियोस नोटिफिकेशंस के, ऑलरेडी 20-22 से ऊपर वीडियोस गए हैं, ठीक है। आप लोग एक बार उसको देख लिया करिए, तब आप लोग का और क्लियर हो जाएगा, ठीक है चीज़ें। देखिए जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी वाले जो आप पूछ रहे हो बच्चों, ये आपको एग्जाम से पहले जो आपका करंट डाटा जो गवर्नमेंट रिलीज करती है उस पे बेस्ड होके 2021-22 की जो स्टेटस रहेगी उस पे बेस्ड आपको हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी जितने भी फसल है पल्सेस व्हीट सबका एक बार रिवाइज करके हम लोग जो है लास्ट में करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस एग्रीकल्चर में भी लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि आपका उत्पादन इस साल कितना गेहूं का हुआ है, तो ये सब चीजों के लिए जो करंट अफेयर की लास्ट के लेक्चर्स आपको एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उस पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक। चलो एक बार फिर बताइए क्या बताना है बाबू। वही बात है ना, वीडियोस देखा करिए आप लोग जो नोटिफिकेशन के वीडियोस जाते हैं, ठीक। क्लासेस के टाइम पे आप लोग इस तरह से नोटिफिकेशन वाली चीजें पूछोगे तो कैसे होगा काम? KMS पोटासियम मेटासल्फेट, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो आपका जो टोमेटो केचप था वो रंगीन था, यानी कलर्ड कंपाउंड था, इसलिए हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट। अब एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम बेंजोएट में जो रासायनिक रूप से जो केमिकल ग्रुप एक्टिव रहती है, जैसे सोडियम बेंजोएट में कौन सा रासायनिक रूप से केमिकल ग्रुप एक्टिव रहती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है भंडारण के लिए बच्चों? तो यहां पर जो है बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। जब बेंजोइक अम्ल जो बनते हैं ना, वही बेंजोइक अम्ल रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम बेंजोएट के लिए। तो सोडियम बेंजोएट यूज करते हो बेंजोइक एसिड। KMS जो यूज करते हैं बच्चों, यहां पर जो है SO2 गैस जो होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं किस चीज के लिए? भंडारण के लिए, यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए, इसको संरक्षण करने के लिए लंबे समय तक। यहाँ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल की निर्माण होती है, यूज होती है, यहाँ SO2 गैस। तो ये एक्चुअल में की कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है भंडारण के लिए, ठीक है। और ऐसे तो नॉर्मली अगर बात करोगे तो सोडियम बेंजोइट रंगीन सब्सटेंस के लिए और ये हमारा कलरलेस सब्सटेंस के लिए यूज करते हो, ठीक। उसके बाद जो है बच्चों आप लोगों को ध्यान देना होगा BER, जिसे हम लोग ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। ये जो है टमाटर में किसके कारण से होता है? कैल्शियम की कमी से होती है। देखो ब्लॉसम एंड रॉट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए टमाटर है तो यहाँ जहाँ से इसके जो लीफ लगे रहते हैं सेपल्स वाले पोर्शन, वहाँ से क्या होता है ये सड़न शुरू हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो है बच्चों ये होता किस लिए है? तो कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। सर आप पढ़ाइए। चलो ठीक है, सर तरुआ बनाया, बहुत अच्छा शुभम। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट जो आपका टमाटर इज अ डे न्यूट्रल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि टमाटर कैसा पौधा है बच्चा? दिवस निष्प्रभावी पौधा है और आपका जो है ये हमारा स्वपरागित पौधा है। इस पॉइंट को भी ध्यान देना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड डे न्यूट्रल क्रॉप, तो इसमें आपको बताना होगा टमाटर, क्योंकि ये हमारा क्या है दिवस निष्प्रभावी, मतलब इसको हम लोग देखोगे तो ग्रीन हाउस वगैरह में भी टमाटर की खेती होती है और इसको जायद सीजन में भी हम लोग खेती करते हैं, यानी कि ये हमारा कैसा पौधा हो गया? दिवस निष्प्रभावी। इसको सोलर रेडिएशन की जो ड्यूरेशन होती है बच्चों उससे इसको कोई अंतर नहीं होता, इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग जो है यहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बेसिकली वार्म सीजन क्रॉप है ये। कैसा क्रॉप है? वार्म सीजन, लेकिन इसको ग्रो इन ऑल सीजन, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे तुम लोग ऐड देखते होगे माजा का ऐड आता है, ठीक है, चाहे किसी का, तो हर मौसम आम, ठीक है, आपके आम जो है आता तो वैसे हम लोगों के इसी सीजन में है, लेकिन हम लोग को हर मौसम आम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से टमाटर क्या है, बेसिकली ये वार्म सीजन क्रॉप है, लेकिन इसको हम लोग हर मौसम में जो है उगाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा दिवस निष्प्रभावी पौधा है। इसे सोलर रेडिएशन के ड्यूरेशन से कितने घंटे धूप लग रहे हैं इस सब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीड रेट यानी कि बीज दर की बात करते हैं, ठीक है। बीज दर जो होता है इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? सामान्य रूप से 350 से 400 या फिर 350 से 450 ग्राम
पर हेक्टर, ठीक है। लेकिन संकर किस्म के लिए बच्चा 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर जो है ये बीज दर आपका संकर किस्म के लिए, यानी कि जो हाइब्रिड्स होते हैं उन सभी के लिए। कई बार पूछा गया बच्चा कि हाइब्रिड टमाटर का जो संकर टमाटर के बीज होते हैं उसका बीज दर कितना होगा, संकर टमाटर के लिए बीज दर आपका 100 से 150 ग्राम पर हेक्टर होगा। यहां ध्यान देना केजी नहीं है भैया, ठीक है, क्योंकि ये धान और उसकी बीज दर नहीं है, धान गेहूं की बात नहीं हो रही कि 100 से 150 केजी में नहीं, ग्राम में है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब चीजें हो गया था। उसके बाद बच्चों बीज उपचार की बात कर रहे थे, तो सीड ट्रीटमेंट विथ 2,4-D गिव्स अर्ली फ्रूट सेटिंग एंड लीड्स टू पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है ऐसी तकनीक जिससे बीज रहित फल बनाए जाते हो, यानी कि बीज रहित फल बनाने की तकनीक क्या होता है, बीज रहित फल बनाने की तकनीक, फल बनाने की तकनीक, बनाने की टेक्निक, ठीक है। तो सीडलेस फ्रूट के लिए जो किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, यानी कि टेक्निक फॉर सीडलेस फ्रूट, टेक्निक फॉर सीडलेस फ्रूट, ठीक। अब इसके लिए आपको ध्यान देना होगा सीड ट्रीटमेंट किससे करोगे बच्चा, 2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। तो इसके यूज करने के कारण से कितना ppm, 2 से 5 ppm यूज करोगे, जिसके कारण से क्या होगा पार्थेनोकार्पी, यानी कि उसमें जो फल जो आएंगे आपके टमाटर बीज रहित टमाटर हो जाएंगे अगर आपने 2,4-D का छिड़काव यूज कर दिया, ठीक है, कब, बीज उपचारित करने के समय, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट है बच्चों, स्टेकिंग इज डन इन इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। अब स्टेकिंग मतलब होता है जैसे स्टेक लगा देते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं इस तरह से उसको झुका दिया जाता है टमाटर को, ठीक है, ताकि अब स्टेकिंग क्यों करते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप। तो देखो बच्चों दो तरह का ग्रोथ हैबिट होता है, ये आप लोग बायोलॉजी में भी जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हो तो उसमें भी पढ़े होंगे, दो तरह के ग्रोथ होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट और एक होता है इनडिटर्मिनेट, यानी कि निर्धारित टमाटर ऐसे किस्म जो एक निश्चित समय पर परिपक्व आकार तक बढ़ती है और अपने सभी फल थोड़े समय में पकते हैं, यानी कि इसमें जो है आपको इनडिटर्मिनेट मतलब होता है असमानता और डिटर्मिनेट मतलब होता है सेम टाइम पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेट पोटैटोज आर वेराइटीज दैट ग्रोज टू अ फिक्स्ड मैच्योर साइज एंड राइपन ऑल देयर फ्रूट इन शॉर्ट पीरियड, यानी कि सारे जितने फल होंगे वो एक ही छोटे अवधि के अंदर पक जाएंगे, यानी कि इसको हम लोग एक तरह से क्या कह सकते हो, सिंक्रोनस मैच्योरिटी कह सकते हो, सारा जो परिपक्व होता है ना वो एक छोटे अवधि के अंदर पूरे इसके फल जो है वो परिपक्व हो जाएंगे, तो उसी को क्या कहोगे डिटर्मिनेट कहोगे। अगर नहीं होंगे इंटरवल पे होते रहेंगे तो उसको क्या कहोगे भैया, इनडिटर्मिनेट कहोगे। इनडिटर्मिनेट वेराइटीज मतलब होते हैं वाइनिंग प्लांट्स दैट कंटिन्यू टू एक्सटेंड इन लेंथ थ्रू आउट देयर ग्रोइंग सीजन, ठीक है, उसकी जो अवधि होती है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना होगा। चलिए, तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट टाइप में अगर सब एक ही समय पर फल आपके पक गए, मान लो टमाटर पक गए तो आप एक ही समय पर हार्वेस्टिंग करके खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पक रहे हैं तो इसलिए स्टेकिंग हमें करने की जरूरत होती है ताकि बार बार जो है आपके फल जो है उसको हार्वेस्ट किया जा सके। तो डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट दो प्रकार के होते हैं, जहां पर एक ही समय पर परिपक्व होगी छोटे अवधि के अंदर वो डिटर्मिनेट, और जब नहीं होगी तो वो इनडिटर्मिनेट, और स्टेकिंग हम लोग किस में करते हैं इनडिटर्मिनेट में करते हैं, ठीक है। नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगर हम लोग पुष्पन की जैसे फ्रूट्स में बात करते हैं तो पाइनएप्पल वगैरह होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर जो है प्रसंस्करण के लिए सबसे विश्व में पहली नंबर पे जो अगर कोई टमाटर सब्जी है तो वो आपका कोई अगर आपका वेजिटेबल है तो वो कौन सी है बच्चों, टमाटर है, यानी कि नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन वर्ल्ड, ठीक है, विश्व का ये एक पहली स्थान पर है, ठीक है, किसके लिए, प्रसंस्करण के लिए बच्चों, प्रोसेसिंग मतलब होता है प्रसंस्करण, तो नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन वर्ल्ड फॉर प्रसंस्करण के लिए जो है ये एक नंबर स्थान पे आता है, तो इस चीज को नोट करना है बच्चे लोग। उसके बाद टोमेटो इज ऑल्सो यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, टमाटर को सार्वभौमिक रूप से सुरक्षात्मक भोजन के रूप में भी इसको लिया जाता है, जिसे इसको पुअर मैन आप ऑरेंज भी कह रहे थे, ठीक है, इसको मतलब बेलायती बैगन भी कहते हैं, तो इस तरह से इसके उपनाम जो है इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको बेसिकली ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो है बच्चों रेड कलर लाइकोपिन के कारण से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था, बता दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कई बार आप देखते होंगे जब टेम्परेचर स्ट्रेस हो जाती है, यानी कि जब अधिक टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, हाँ ले सकते हो, ठीक, रिफ्रेशिंग, चलो ओके।
हम लोग अगर बात कर रहे थे जैसे कोई भी फसल, जैसे गेहूं में ही अगर हम लोग देरी से बोते हैं तो टर्मिनल हीट स्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि जो जब टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे अभी भी अगर आप देख रहे होगे अभी इतनी ज़्यादा तापमान बढ़ गई है ना, जिसके कारण से जो खेतों में जो गेहूं जिसने लेट से बुआई की थी उसका गेहूं अभी टर्मिनल हीट स्ट्रेस पीरियड झेल रहा है, और जिसने अर्ली की थी उसका हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया तो हार्वेस्ट कटाई कर ले रहे हैं, ठीक है। इस समय इतनी ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुई, अगर पार्टिकुलर बनारस की ही बात करें ना, तो बनारस में जो है पिछले साल जो मौसम हमारा अप्रैल में था, मई में था, वो अभी जो है मार्च में ही हो गया था यहाँ, तो इसमें इतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है। सारा खेल जो है बच्चों क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है, सारी जो हम लोग जो जितने भी हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होते हैं सारा खेल क्लाइमेट चेंज का है, तो इसके कारण से एग्रीकल्चर भी इफेक्ट होता है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपका 21 से 34 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो आपका लाइकोपिन कंटेंट जो है आपके फल अच्छे होंगे, लाल होंगे टमाटर। लेकिन बच्चा अगर टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो लाइकोपिन की कंटेंट कम हो जाएगी, तो आपको अलग अलग आधे लाल आधे हरे रंग के इस तरह के टमाटर आपको उठपटांग रंग के टमाटर आपको देखने को मिलेगा अगर आपका टेम्परेचर स्ट्रेस झेल रहा है आपका फसल तो, ठीक है। इसीलिए हम बताते हैं ना कि हमेशा से ध्यान देना कि जलवायु जो होता है ना वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, और सब खेल हमारा समय का है, एग्रीकल्चर में सारी खेल जो है समय का है। जो किसान समय पर बो दिया, समय पर काट के छुट्टी हो गया, जो थोड़ा सा डिले किया ना उसकी फसल जो है टर्मिनल हीट स्ट्रेस अभी झेल रही है और उनकी नुकसान हो रहा है उनके फसलों में, ठीक है। तो सारा खेल जो है बच्चों टाइम का होता है, तो यहाँ पर भी बच्चों अगर 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तो आपके फल लाल लाल और स्वच्छ रहेंगे, अगर इससे तापमान बढ़ा 27 से ऊंचे तो आपके लाइकोपिन कंटेंट घट जाएगा, यानी कि आपके फल जो होंगे वो कंप्लीट रूप से लाल नहीं होके दूसरे ग्रीन ग्रीन कलर के रह जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों इसमें लगने वाला एक रोग है ब्लाइट रोग, जो अब ब्लाइट हमेशा से देखोगे बच्चों झुलसा रोग जो होती है ना वो बैक्टीरियल ब्लाइट, नाम ही हम लोग पढ़ते हैं ना बैक्टीरियल ब्लाइट, तो जंतुमूलक कारण से बैक्टीरियल ब्लाइट, तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि ब्लाइट रोग जो टमाटर में होती है बच्चे वो हमारा बैक्टीरिया के कारण से होती है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। कैसे, किससे होने वाला रोग है बच्चों, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ब्लाइट ऑफ टोमेटो जो है ये हमारा जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होता है। नेक्स्ट बच्चों लीफ कर्ल, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया है मैंने कि जहां पर भी बच्चे वर्ड लगे कर्ल, वर्ड लगे मोजाइक, वर्ड लगे इस तरह के, तो आपको क्या समझना है, ये हमारा विषाणु जनित रोग है, यानी कि हमारा वायरल डिजीज है। तो ये हमारा वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज में एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, तो मुख्य रूप से हम लोग क्या मानते हैं इसको, व्हाइट फ्लाई मानते हैं। और एक चीज और, जहां पर भी कर्ल की बात करोगे, ध्यान से सुनो, जहां पर भी कर्ल की बात करोगे व्हाइट फ्लाई ही आपका वेक्टर होगा, सिवाय चिली मिर्च में जो है थ्रिप्स होता है। यही क्वेश्चन इस बार एएफओ का जो एग्जाम, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ठीक है। तो जो जनरल एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो ना, ये लेक्चर्स अभी ही नहीं, जब आप बीएससी एजी करने जाओगे अपने यूनिवर्सिटीज में तब भी आपको लगेगा कि सर ने तो ये सारी चीजें पढ़ाया था जो हमें अब पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए ध्यान से करना नोट और सारा चीज रखना। ये आपको जेआरएफ के लिए, जब जो बच्चे एमएससी एजी के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे जो करेंगे उनके लिए भी ये नोट्स जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको जो है बेसिकली ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। विशाल शर्मा सर मैथ्स की क्लासेस चलाओगे सीयूटी के लिए, बच्चा ऑलरेडी चल रहा है विशाल शर्मा, आप जाके देख लो आपके मैथ्स के क्लासेस भी सीयूटी के लिए चल रहा है। सर इस समय मैंगो का बुरा हाल हुआ, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो सारा चीज जो है टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस का है एग्रीकल्चर में, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो हमेशा से हमें ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे इनोवेशन, ऐसे इनोवेशंस पे मोटिवेट होना है जो क्लाइमेट चेंज को घटा सके, उसके इफेक्ट को एग्रीकल्चर में घटा सके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि किसान अभी जो है सबसे ज्यादा मार झेल रहा है क्लाइमेट चेंज का, और उसको मार से बचाने के लिए ना हमें अपने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इनोवेटिव करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमारा पुरापत्तकाल से जो चलते आ रहा है उसी तरह से हम लोग अगर करेंगे तो चीजें जो है गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज सबको ध्यान देना है। अगला बढ़ते हैं बच्चों, और मैं इस ये सब चीजें आप लोगों से इसलिए डिस्कस करता हूँ ना क्योंकि ये आप ही लोग जो है भविष्य में भारत के कृषि के जो भविष्य आप लोग हो। अगर आप लोग जो इस तरह से मोटिवेटेड रहोगे तो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से आप एग्रीकल्चर करते हो उसके बाद आप जो है हमेशा से आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपको फार्मिंग कम्युनिटी किसानों के लिए कुछ करना है, ये जज्बा जो अपने अंदर हमेशा रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। ताकि जब तक आपके अंदर ये जज्बा रहेगा किसानों के लिए कुछ करना है तभी आप जो है बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आ पाओगे, बेहतर चीजें कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट और पेस्ट यानी कि कीट के बारे में अगर बात करें तो फ्रूट बोरर जिसे फल छेदक कहते हैं, हर्क्योफर्पा आर्मीजेरा, ये क्या है बच्चों, तो ये सबसे पहले प्रमुख कीट है, मुख्य कीट,
मुख्य कीट की अगर बात करोगे तो ये हमारा मुख्य कीट है। किसमें लगता है बच्चों? टमाटर की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है व्हाइट फ्लाई, जो कि ट्रांसमिट करता है लीफ कर्ल डिजीज को। लेकिन लीफ कर्ल जो है वो हमारा, अगर बात करें चिली में यानी कि मिर्च में बच्चों, तो मिर्च में जो है लीफ कर्ल डिजीज होती है बच्चों, किसके कारण से होता है बच्चा? तो आपका ये थ्रिप्स के कारण से जो है प्रसारित होते हैं। इन चीज को भी आपको बेसिकली नोट कर लेना है। उसके बाद बच्चों बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि दैहिक विकार की। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोले तो दैहिक विकार की। कम विथ मी इफ यू एग्री। चलो ठीक है। हाँ, ये जो कीट है बच्चों ये बहुत सारे में लगता है, सही बात है, क्योंकि ये जो हमारा फ्रूट बोरर है ना, ये आपको हर फसल में आपको देखोगे तो यहाँ पे हेलिकोबर्पा लगता है। ठीक है, ये जो हमारे कॉस्मोपोलिटन होते हैं हर फसल के लिए जो है, ये हम लोग पॉलीफेगस बोलते हैं, हर होस्ट पे जो है ये अपना सर्वाइव कर सकता है। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग यानी कि फलों का फटना। तो देखो फल भले ही या तो फ्रूट में फटे या सब्जी में फटे, फल फट रहे हैं तो बोरोन का कमी होगा। अब क्यों होता है, इसकी साइंटिफिक रीजन आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे आपको पता है कि बोरोन का मुख्य जो फंक्शन होता है, मिनरल न्यूट्रिशन में बताया था कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर यानी कि सखड़ा का स्थानांतरण करने के लिए होता है। अब मान लीजिए ये हमारा फल है, यहीं पर एक पूरी तरह से ट्रांसलोकेट नहीं हुआ, यहीं पर सखड़ा की मात्रा बढ़ गई, तो जब भैया सखड़ा की मात्रा बढ़ जाएगी और पूरी तरह से इवेनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो ये तो फटेगा ना बाबा, तो ये फट जाता है। इसी के रीजन है जिसके कारण से बोरोन की कमी के कारण से हमेशा फलों के फटने की समस्या आती है। BER आपको बता दिया, ब्लॉसम एंड रॉट, जैसे ये हमारा ब्लॉज यहाँ से लगा रहते हैं ना फल, तो ये वाली जो रीजन होगी यहाँ जब सड़न होती है उसको ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं, वो कैल्शियम की कमी के कारण से होता है। BHU, ICER और आपके UP कैडेट सभी एग्जाम में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BER जो है वो मेस्टली कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है पफिनेस। पफिनेस मतलब तो पचपचाना, जैसे आप देखोगे स्पंजी जैसे होते हैं ना उस तरह से, तो पफिनेस जो होता है वो पुअर पॉलिनेशन और लो और हाई टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ जाता है तो इसके कारण से होता है फुसफुस। ठीक, इस तरह से आप देखोगे टमाटर जो है कई बार इस तरह से पफिनेस जो होती है वो हमारा मेन तो परागण, अगर उचित तरीके से परागण नहीं हो पाया यानी कि इफ देर इज पुअर पॉलिनेशन देन इन दैट केस, और दूसरा होता है लो एंड हाई टेम्परेचर, ये दोनों ही रीजन है जिसके कारण से आपको पफिनेस देखने को मिलता है। हाँ कुमारी भी सर, ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता है शुगर का, बिल्कुल सही बात है। बोरोन की कमी से अधिकतर फल फटने लगते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने पर भी फल फटने लगते हैं। हाँ, तापमान बढ़ने पर भी अगर आप बहुत देर तक सूखा पड़ा है, अचानक से आपने भारी सिंचाई दे दिया, इसके कारण से भी फल फटते हैं। तो ये सब कुछ अदर रीजंस है जिसके कारण से आपको फ्रूट में क्रैकिंग देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों सन स्क्लैड एक्सपोजर ऑफ फ्रूट्स टू हाई टेम्परेचर। अगर 40 डिग्री से अधिक तापमान पर अगर आपने रख दिया तो आपके फल में देखोगे सन स्क्लैड, जैसे हम लोग को सन बर्न्स हो जाते हैं ना, अभी देखते होगे जो भी लोग घूमते हैं सब आतंकवादी बन के पूरा रुमाल से गमछे से इसे पूरा मुंह हाथ ढक के निकलते हैं, क्यों? क्योंकि सन बर्न से बचने के लिए। तो इसी तरह से अगर आपके फल को भी अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है बच्चों तो सन स्क्लैड की समस्या आपको देखने को मिलता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सेस रेन इफेक्ट फ्रूट सेट ड्यू टू फ्लावर ड्रॉप। अगर ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जब बारिश बहुत तेज हो जाती है तो आपके फल जो है बन ही नहीं पाते सही से, क्योंकि आपके पुष्प जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। ये चीज़ इसीलिए तो हम लोग अवॉइड करते हैं ना, पुष्पन की अवस्था में सिंचाई नहीं देने का जो रीजन मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ चलो फुसफुस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट था बच्चों एक्सेस रेन ड्यूरिंग फ्रूट सेटिंग, इसीलिए हम लोग पुष्पन के समय पर जो सिंचाई भी अवॉइड करते हैं ना, क्यों सिंचाई नहीं दी जाती है पुष्पन के समय पर, इसी के कारण से, क्योंकि अगर आपने सिंचाई दे दिया पुष्पन के समय तो आपको फलों का गिरना जो है वहां पे नॉर्मल रूप से आपको पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बोरोन एंड जिंक आर द इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि अगर हम बात करें कि जिंक ZnSO4 की एप्लीकेशन हमें फलों में करनी होती है, क्योंकि जितने जैसे आप लोग बढ़ते हो ना
जैसे ये क्या कहते हैं ग्वावा वगैरह, ये सब भी हमारे क्या होते हैं ना, इन सब में पोषक तत्व जो होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो मिलनी चाहिए होता है। जैसे हम लोग धान गेहूं वगैरह जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ज्यादातर फोकस एनपीके यानी कि नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस पे करते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो वहां पर जो है बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी एक अलग अपनी भूमिका रहती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बोरोन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट वेराइटीज के बारे में, रोमा, अर्का सौरव, अर्का विकास, पंथ बहार, पूसा शीतल, हिसार लालिमा, पूसा गौरव और पूसा रूबी। अब देखो इसमें जो है बच्चों पूसा रूबी कई बार पूछा गया वेराइटी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना, पूसा H1 एक वेराइटी होता है जो हाई टेम्परेचर रीजन यानी कि उच्च तापमान वाले क्षेत्र, जहां पे अगर तापमान ज्यादा रहती है बच्चों उन सब क्षेत्रों में। ओके W, चलिए हाँ, ग्वावा प्लांट्स में भी सही बात है। जब कोई भी पौधे में ना बच्चा जब पुष्पन होते रहता है, अगर उस समय आपने सिंचाई दे दिया ना तो आपके फल झड़ जाएंगे और फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ इसी में नहीं, धान गेहूं हर फसल में, ठीक है, क्योंकि इसके कारण से जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल सही, चलो ठीक है, एमएससी पे बता देंगे, ठीक है। शुभम कुमार विश्वकर्मा, अलग से हम लोग वीडियोज एमएससी पे जब लेकर आएंगे तो उसमें एमएससी के बातें करेंगे, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ रहे थे हम लोग पूसा शीतल, पूसा शीतल जो है ना बच्चों वो लेट टेम्परेचर जोन के लिए नहीं कि कम तापमान वाले क्षेत्र के लिए जो है ये सबसे उपयुक्त होता है। पूसा शीतल वेराइटी, नाम से ही शीतलता झलक रही है, ठीक से। ब्रेकर स्टेज जो होती है इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह टमाटर को ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो पूर्ण रूप से जब पक जाए तब अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे ना तो आपके फल रास्ते में ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि इसकी पेरिसिबिलिटी जो होती है ना बहुत कम होती है, ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाता है। तो इसीलिए इसको कब करना है, जब आपका 10% लाइकोपिन कंटेंट उसमें ब्रेक आ जाए, यानी कि जब आपके फल जो पूर्ण रूप से वहां पे लाल ना हो, 100% मैच्योरिटी ना हो, बस 10%, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्रेकर स्टेज कहते हैं। तो इसी अवस्था में आपको क्या करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देना है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देना है। नेक्स्ट बच्चा पूसा उपहार, अर्का अपेक्षा, ये सब जो है बच्चों मुख्य रूप से प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। इनके अलावा पंजाब छुहारा और रोमा भी जो है बच्चों प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त वेराइटी है। तो इस तरह से आपको प्रसंस्करण के लिए कौन से उपयुक्त है, शीतलता यानी कि लो टेम्परेचर में कौन सी उपयुक्त है, हाई टेम्परेचर में कौन सी उपयुक्त है, ठीक है। सबसे कॉमनली सबसे ज्यादा वेराइटी तो पूसा रूबी, तो इस तरह से सारे वेराइटीज और उनके विशेषता। अब बच्चों का ये सवाल आता है ना, सर कितने वेराइटीज आपने बताया, कौन कौन सा ध्यान दे, तो भैया जहां जहां विशेषता बता रहा हूं ना उन्हीं को स्पेशली ध्यान दे दोगे तो काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, पूसा शीतल ठंडी हाँ फल देने लगती है, चलो बिल्कुल सही है शुभम। चलिए ठीक है, जिंक डेफिशिएंसी फॉर राइस, हाँ जिंक डेफिशिएंसी राइस में होने से खैरा रोग होता है बच्चा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो फसल है बच्चों वो है ब्रिंजल यानी कि बैगन। अब बैगन क्या क्या होता है, सोलैनम मेलनजेना, क्या होता है बच्चा सोलैनम मेलनजेना, इसका वनस्पतिक नाम जो होते हैं वो है सोलैनम मेलनजेना। उसके बाद इसकी फैमिली ये भी सोलेनेसी कुल का है। अब इसमें जो पिगमेंट होता है ना बच्चा, जो रंग द्रव्य होते हैं जो आपके इसमें पाए जाते हैं बैगन में, उसको हम लोग एंथोसाइनिन कहते हैं, यानी कि एंथोसाइनिन ही है जो पिगमेंट पाया जाता है। वहां पर पिगमेंट लाइकोपिन पाया जा रहा था, यहाँ पर पिगमेंट एंथोसाइनिन पाया जा रहा है। और ब्रिंजल फ्रूट जो होते हैं ना, बी से ब्रिंजल, बी से विटामिन बी, तो यानी कि ब्रिंजल फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, यानी कि इसमें जो है विटामिन बी जो है मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सीड रेट, इसका 200 ग्राम पर नर्सरी सोइंग के लिए, ठीक है, नर्सरी सोइंग के लिए जो है बच्चों। अगर आप एक चीज और बता दें आपको, जितने भी सब्जी वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, इन सब में जो हम लोग क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हो या तो नॉर्मली जो है इसमें ज्यादातर हम लोग इसके नर्सरी उगाए जाते हैं, पहले नर्सरी तैयार किए जाते हैं फिर उसको जो है उगाया जाता है खेतों में, ठीक है। तो नर्सरी प्लांटिंग के लिए आपको ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर कितना होता है 200 ग्राम पर हेक्टर जो है मुख्य रूप से बीज दर होते हैं नर्सरी लगाने के लिए। नेक्स्ट वेराइटी में अब देखो बैगन आप लोगों ने कितने प्रकार का देखा है बच्चों, कमेंट करके बताओ कि बैगन आप लोगों ने कितने प्रकार का देखा है, ठीक है, ठीक है, फटाफट बता दीजिए कि आपने बैगन कितने प्रकार का देखा है।
चार। चलिए ठीक है, देखो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, आपका पिंक कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके गोल आकार के राउंड भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। इतने जो है वेरिएशंस आपको जो है देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो बच्चों आपको गोल, व्हाइट, पर्पल, ठीक है, इस तरह से आपके अलग अलग कलर के होते हैं। तो यहां पर जो है बच्चों पूसा पर्पल लॉन्ग, ये मतलब लंबे वाले हैं, ठीक। उसके बाद पंथ सम्राट, आजाद क्रांति, अर्का सील और अर्का निधि, ये सब जो आपके क्या है प्रचलित वेराइटी है बैगन के। तो ये सब वेराइटीज को आपको बेसिकली बच्चों ध्यान देना होगा। पीपीएल जो होता है पूसा पर्पल लॉन्ग, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है हाइब्रिड्स, यानी कि जो संकर किस्म है बच्चों, ठीक है। ये सब जो वेराइटीज होते हैं, ये सब संकर किस्म कौन कौन सी है, तो पंथ, ऋतुराज, पूसा बिंदु, पूसा उपकार, पूसा वैरव, ठीक है। ये सब आपके कैसे वेराइटीज है बच्चों, हाइब्रिड्स यानी कि संकर किस्म है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीट और आपके पेस्ट और कीट के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट इसमें लगते हैं मुख्य रूप से बच्चों, तो यहां पर भी जो आपका फ्रूट एंड सूट बोरर जो है इसका मुख्य रूप है, यानी कि फल और प्रारोह छेदक, ठीक है, भेदक या छेदक कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, मुख्य रोग है, मुख्य कीट जो इसमें लगता है, मेजर पेस्ट ऑफ ब्रिंजल। वहां पर मेजर पेस्ट क्या था, फ्रूट बोरर था, हेलिकोबर्पा आर्मिजेरा था वहां पे मुख्य कीट। यहां पर आपका फ्रूट एंड सूट बोरर जो है ये आपका मुख्य कीट है। होता क्या है, ये आपके फलों में, टमाटर क्या, टमाटर में इस तरह से, बैगन में भी क्या होता है, जैसे आपका ये फ्रूट है तो इसके अंदर ये लोग जो है छेद बना के अपनी जो है वहां पे अंडे ले करते हैं, और उस तरह से वहां पर उनके लार्वाज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार आप लोग अगर बैंगन काटते हो तो उसके अंदर आपको कीड़े देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, बोरर्स ही होते हैं जो उस फ्रूट के अंदर जो है अपने घर बना लेते हैं, वहां पर एग लेइंग वगैरह करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब बोरर्स जो है बच्चों ये मुख्य कीट है ब्रिंजल के लिए। नेक्स्ट डिजीज में अगर देखोगे तो लिटिल लीफ यानी कि छोटी पत्ती जो होती है ये मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है, और ये जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ना बच्चों, इनको भी जो है एक वेक्टर की जरूरत होती है, बोले तो एक वाहक की जरूरत होती है, और वो वाहक हमारा यहाँ क्या होता है, लीफ हॉपर्स। माइकोप्लाज्मा वगैरह के लिए हॉपर्स जो होते हैं वो वाहक का कार्य करते हैं, लेकिन लीफ कर्ल के लिए व्हाइट फ्लाई, लेकिन एक एक्सेप्शन था मिर्च में थ्रिप्स। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में बहुत से बच्चों का, जैसे इसी बार एएफओ का जो एग्जाम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, आईबीपीएस का, उसमें बहुत से बच्चे जो है ना थ्रिप्स के जगह पे क्या मार के आए थे, व्हाइट फ्लाई, और उन सभी के जो है आंसर्स रॉन्ग हो गए थे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर आप गलती करते हो ना तो आप 5 नंबर पीछे चले जाओगे, और 5 नंबर पीछे मतलब जो है आपका काफी जो है आपकी रैंक जो है बहुत हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसिडर करना है। नेक्स्ट है बच्चों, इसको एग प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, बैगन को जो है हम लोग एग प्लांट भी कहते हैं। ये आप लोगों को कल ही बताया था मैंने, हर फसल का जब कॉमन नेम बताते हुए बताया था कि बैगन को एग प्लांट कहा जाता है। इंडिया रैंक्स सेकेंड आफ्टर चाइना इन ब्रिंजल प्रोडक्शन, यानी कि अगर उत्पादन में देखोगे तो सबसे बड़ा बैगन का उत्पादक जो है वो चीन है, और दूसरे नंबर पे जो है बच्चों भारत आता है, ठीक। अब इंडिया में बात करोगे तो वेस्ट बंगाल इज द लीड प्रोड्यूसर ऑफ ब्रिंजल, ठीक, वेस्ट बंगाल जो है सबसे लीडिंग पोजीशन पे है, उसके बाद जो है उड़ीसा और बिहार, ये सब स्टेट्स जो उसके बाद आते हैं। सबसे पहला लीड पोजीशन पे हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक। उसके बाद बच्चों बात करेंगे ओरोबाके, ओरोबाके इज अ सीरियस वीड ऑफ सोलेनेसियस क्रॉप। देखिए अब आप लोगों को जब खरपतवार की बात करते हैं ना, तो परजीवी खरपतवार जो होते हैं यानी कि पैरासाइटिक वीड जो होते हैं ना, वो मुख्य रूप से हम लोगों को चार पैरासाइटिक वीड पढ़ने होते हैं। क्या क्या, तो आपको चार पैरासाइटिक वीड में ध्यान देना होगा, कस्कुटा के बारे में, लोरेंथस के बारे में, ओरोबाके के बारे में, और आपको ध्यान देना होगा स्ट्रीगा के बारे में। तो कस्कुटा जो होता है, चलिए इसको नोट करा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है ये आपको पूछा जाएगा। जैसे पैरासाइटिक वीड्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली जो होते हैं कस्कुटा होता है बच्चों, दूसरा होता है लोरेंथस, तीसरा है ओरोबांके, और चौथा होता है बच्चा स्ट्रीगा। तो कस्कुटा जो होते हैं ना बच्चों, ये क्या है, हमारा टोटल स्टीम पैरासाइट है। क्या है, टोटल स्टीम पैरासाइट यानी कि पूर्ण तना परजीवी। अब ये लोरेंथस जो है ये पार्शियल स्टीम पैरासाइट, ओरोबांके क्या है तो टोटल रूट पैरासाइट।
और ये जो आपका स्ट्रिगा है बच्चों, ये है आपका पार्शियल रूट पैरासाइट। तो इस तरह से ये चारों जो आपके क्या है, परजीवी खरपतवार है। क्या है? परजीवी खरपतवार, परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार, तो इस चारों का आपको ध्यान देना। तो इसमें जो ओरोबाके है ना, ये मुख्य रूप से जो है बच्चों सोलेनेसियस क्रॉप में ज्यादातर लगता है। सोलेनेसी कुल के जितने पौधे होते हैं, सोलेनेसियस क्रॉप में मुख्य रूप से जो लगने वाला खरपतवार है वो ओरोबाके है। स्ट्रिगा जो होता है ना, ये बच्चों मेनली जो है हम लोग सॉर्गम वगैरह में जो है आपको इसको देखने को मिलता है। सॉर्गम वगैरह में ज्यादातर इन्फेक्शन कॉज करने का काम स्ट्रिगा करता है, ठीक है। हाँ, जूट साइंस के फादर जो है बच्चों जेथ्रोटल होते हैं, ठीक, वही है। और टीलेज के भी फादर वही है बच्चा, ठीक। उसके बाद बैगन जो है, ये बच्चों क्या है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। और इसमें एक चीज और, जो पुष्पन पुष्पों का जो खुलना होता है जिसे ओपनिंग ऑफ फ्लावर कहते हैं, तो समर सीजन में ये सुबह के समय पर होता है 6 से 7:30 के बीच, लेकिन विंटर में जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है, होता है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान देना है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को, व्हाइट ब्रिंजल, जो सफेद ब्रिंजल होते हैं ना, वो डायबिटिक पेशेंट्स, जितने भी हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उन सभी के लिए जो है सफेद बैगन जो है ये लाभदायक होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। अलाहाबाद में ब्रिंजल को फ्रूट माना जाता है, ठीक है। देखो, है तो जो भी हम लोग कल ही आप लोगों को बताया था ना मैंने, कि इडिबल पार्ट तो जितने भी हम लोग सोलेनेसिस पढ़ते हैं, टमाटर ये भी हमारा इडिबल पार्ट तो फल ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको फल या फूल, फल या फिर सब्जी कंसीडर करते हैं, लेकिन इसको कई जगह जो है फल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इडिबल पार्ट क्या होता है, फ्रूट। तो बोटेनिकली तो ये सब हमारे क्या है, फल है, लेकिन इसकी यूजेज के हिसाब से इनको फल और सब्जी में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। हाँ, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट जो है बच्चों, बात कर रहे थे प्रीफर्ड बाय डायबिटीज पेशेंट, जो सफेद बैगन होते हैं ना वो मुख्य रूप से डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जो है ये लाभदायक होता है, ठीक। और एक चीज ध्यान देते हैं, कॉपर की एप्लीकेशन, यानी कि कॉपर जो है यहाँ पर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है। अगर कॉपर की एप्लीकेशन करने से आपका उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि कॉपर के प्रयोग से बैगन में उपज की वृद्धि होती है। अब उपज की वृद्धि होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, कॉपर एप्लीकेशन जरूरी। नेक्स्ट, अर्कानंद, अर्कानंद जो है ना बच्चों, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जैसे मैंगो में आप लोगों को बताया था अल्फांसो वेराइटी था, जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी वेराइटी, ठीक है। तो यहां पर भी जो है बच्चों एक जगह से दूसरे जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है आपको ये वेराइटी अर्कानंद जो है ये सुइटेबल माना जाता है। और ब्रिंजल इज नेटिव फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी कि इसकी उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, इंडो बर्मा कह लो या इंडिया कह लो, इसकी उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन अगर बोले तो इंडो बर्मा या फिर आपका जो है यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो पॉइंट आपके लिए ध्यान देना है कि रेनफेड सोइंग अगर करते हो तो मई और जून में, रेनफेड मतलब होता है बच्चों वर्षा पे आधारित खेती। जैसे अगर हम बात करें, भले ही भारत में सिंचाई पे जो बहुत सारी परियोजनाएं आई हैं, लेकिन अभी भी अगर बात करोगे तो भारत के 60 से 65% लैंड जो होती है ना वो रेनफेड है, यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर आधारित खेती होती है। बहुत कम ही पोर्शन ऐसे हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा साइड क्या है, बहुत से एरिया सिंचित क्षेत्र के अंदर आती है। उत्तर प्रदेश में अभी जो है बहुत से जगहों पे अभी भी जो है रेनफेड यानी कि वर्षा पे आधारित खेती होती है। तो ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो है, आप यहाँ पे देखोगे रेनफेड सोइंग जो होती है मुख्य रूप से मई और जून के माह में होती है। कब होता है बच्चा, मई और जून के माह में। लेकिन इरिगेटेड सोइंग जो होती है बच्चों, ये आप सेप्टेम्बर अक्टूबर के माह में भी कर सकते हो, क्योंकि रेनफेड मतलब आपका मानसून कब आता है, जून जुलाई के समय पर ही आता है। तो जून जुलाई वाली जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होती है वो हमारा यहाँ आते कब होता है, जून जुलाई में आता है। तो इसीलिए हम लोग रेनफेड वर्षा पर आधारित खेती जब करते हैं तो ये जून जुलाई के महीने में, मई जून में करते हैं। लेकिन अगर आपको सिंचाई की आवश्यकता, यानी कि सिंचाई की जब फैसिलिटी रहेगा, तो फिर आप कहाँ यूज करेंगे, सितंबर और अक्टूबर ठंडी के माह में जो है आप वहाँ पे सिंचाई देते हैं पौधों को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली नोट कर लेना है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिंग, यानी कि दूरी कितना होगा, तो 60x60 सेंटीमीटर फॉर लेस स्प्रेडिंग और 90x60 सेंटीमीटर फॉर मोर स्प्रेडिंग, जो ज़्यादा फैलने वाली, जैसे देखते हो ना बैगन के कुछ वेराइटीज ऐसे होते हैं जो फैलते हैं, तो जब फैलने वाली है तो उसमें आप दूरी बढ़ा दोगे, और जो नॉर्मल नहीं बिना फैलने वाली वेराइटी रहती है वहाँ पे आप 60x60 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करके जो है आप यहाँ पे पौधे लगाओगे। नेक्स्ट है ब्रिंजल हैज ए स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम, कैसी जड़ होती है, इसमें मुसला जड़ पाए जाते हैं, यानी कि टैप रूट पाए जाते हैं, ठीक। और पेनिट्रेटिंग टू द डेप्थ ऑफ 1 मीटर तक चला जाता है विद इन 6 से 7 वीक,
यानी कि अगर एक से डेढ़ महीने के अंदर जो है आपके पौधे जो होते हैं बैंगन के, वो 1 मीटर तक डीप तक भी जा सकता है। और कैसे जड़ पाए जाते हैं यहाँ पे? मुसला जड़, यानी कि टैप रूट सिस्टम पाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है, द मेच्योर प्लांट हैज एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। ये सही है, इसीलिए तो ये जो है ज़्यादातर जो है इसमें वाटर वगैरह की रिक्वायरमेंट जो होती है बच्चों, ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। चलो ठीक है, ये टाइमिंग ही ऐसा है बच्चों, ठीक है। मूसला जड़ क्या होता है सर? मूसला जड़ मतलब होता है बच्चे टैप रूट सिस्टम। जैसे देखो यहाँ पे इस तरह से जो रूट्स आते हैं ना, इसको हम लोग टैप रूट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जड़ आता है इस तरह से, आप स्थानिक जड़ इसको कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट, और इसको मूसला जड़, ठीक। तो इस तरह से हमारे टैप रूट और टैप रूट सिस्टम, ठीक है। जो भी बात पूछना है आप लास्ट में पूछ सकते हो बच्चों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिमोसा पुडिका, इसको टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। ये जो है इंसेक्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर ब्रिंजल में अगर हमने मिमोसा पुडिका के लगा दिया तो इसमें इंसेक्ट की एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, पॉलिनेशन वगैरह बढ़ाने का काम, ठीक। नेक्स्ट, इट इज ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट, यानी कि ये जो वेराइटी है हमारा ब्रिंजल जो है वो कुहासे के प्रति संवेदनशील होता है। तो ये सारे चीज़ें जो है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, टमाटर और ब्रिंजल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो जो फसल थे आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जियों में से बात किया जाए तो टमाटर और बैंगन, ये दो जो है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोगों का जो डाउट्स था बच्चों, आप लोग क्लियर कर सकते हो। CUET ICER के बारे में पूछना है, चलिए ठीक है, पूछ सकते हो बच्चों। देखिए इसी तरह से आप लोगों को ना हर दिन क्लास के बाद आपको 5-7 मिनट जो है आप लोगों के, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें जो है गड़बड़ा जा रही है, क्योंकि अब अंदर ही अंदर यूनिवर्सिटीज़ अपने डोमेन के सब्जेक्ट बदल दे रहे हैं, तो कभी क्या हो रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल। तो इस तरह से जो भी आपके डाउट्स रहा करें ना, आप लोग लास्ट में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, टेस्ट जो है आप लोगों को MCQ सेशंस लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैंने बता दिया आप लोगों को, 2 दिन जो आपके 2 दिन बैक टू बैक आपके 2 MCQ सेशंस लेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तब तक आप सभी लोग जो इसको रिवाइज करते रहिए। रूट स्टॉक, देखो रूट स्टॉक जैसे कि आपको बता दें, जैसे आपको मैंने बताया था हार्वेस्ट, जब ग्राफ्टिंग करते हो ना, तो ग्राफ्टिंग में जैसे एक आपका ये वेराइटी हो गया, ठीक, तो ये आपका, और दूसरा इस तरह से आप लेते हो, तो इसी को हम लोग स्टॉक, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना इसको हम लोग सियोन कहते हैं। तो जो रूट स्टॉक मतलब जड़ वाला पोर्शन जिसका लिया जाएगा ना, उसको कहते हैं रूट स्टॉक, ठीक। अब जो मेरा क्लास बच्चों आपको कल मिल, देखिए आपको जो है कल मिलेगा, ठीक है, कल आपका इस सेम टाइम पे रहेगा, ठीक। देखो ऐप पर टेस्ट सीरीज ये सब जो है होगा ही, लेकिन MCQ सेशंस आपको यहां पर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, मेक्सिको कह सकते हो, पेरू या फिर साउथ अमेरिका। देखो साउथ अमेरिका इसकी मेन जो है रीजन, जो क्षेत्र है हमारा वो साउथ अमेरिका है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति स्थान, इसलिए आप इसको जो है मेक्सिको या पेरू कह सकते हो, ठीक है। अब जो है बच्चों आपको ऐप कब आएगा? ऐप बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो बच्चों आप लोगों के लिए ही काम हो रहा है, हम लोगों के एंड पे DPP का टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें जो है चल रही है, ठीक है, इसलिए जल्दी आप लोगों को ऐप मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, BSc AG के बाद JRF कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक। हाँ आ जाएगा ऐप, परेशान मत होइए आप, ठीक है। फर्स्ट टाइम नेहा कुमारी, सर मैं फर्स्ट टाइम AG पढ़ रही हूँ, आप मुझे कोई बुक के बारे में बता दीजिए। देखो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो जितना नोट्स आपको यहाँ बताया गया है ना, टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा सारी नोट्स, ठीक है, अभी से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अभी, और प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे, वो नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। आपको 50 में से आपको 40-45 क्वेश्चन जो इन्हीं नोट्स से आएंगे, इसलिए अलग बुक बुक के लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है बच्चों। तो बेनिफिशियल कौन सा होता है, रेनफेड या आर्टिफिशियल इरिगेशन? देखो आर्टिफिशियल इरिगेशन में क्या होता है, सर्टेनिटी होती है, लेकिन रेनफॉल जो होती है रेनफेड होती है वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है। तो रेनफेड में जो है बच्चों आपको देखने को मिलेगा कभी कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है, इन इरिगेटेड आके आपका कंट्रोल्ड कंडीशन अगर आप दोगे तो आपका क्रॉप लॉस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। चलिए तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग फिर अलग दो जो
वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में, चिली वगैरह के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है इस पुराने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, और एमसीक्यू जो अगले हफ्ते होने वाला है 2 दिन बैक टू बैक, उस एमसीक्यू सेशन से उस संग्राम के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। आप अपने जो है सभी लोग प्रिपरेशन कर लो, पुराने नोट्स आप दोहरा लो, ठीक है, वीडियोज देख लो, ठीक है, जिसकी भी कोई डाउट्स है जो नए जुड़े हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर पे आप लोगों को आधारित होकर 2 एमसीक्यू सेशन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो इस चीज के लिए आप लोग अभी से सूचित कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग उसको जो है अच्छा परफॉर्म कर पाए उस टेस्ट में, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, ब्रिंजल में 4 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, स्यूडो स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल, इस तरह से होते हैं बच्चों, ठीक। चलो ठीक है बच्चों, चलिए तो ओके। हाँ, एग्रीकल्चर के लिए रिचा रंजन सिर्फ डोमेन पे ही पढ़ना है, ठीक है, अलग से आप लोगों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बीएससी एजी के लिए बता रहा हूँ खाली, ठीक है। चलिए तो अब फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग